पहुंचे भारत एट नाइन काबेंद्र चौहान के साथ। भारत एट नाइन में आपका स्वागत है दर्शकों। एक बार फिर मैं अपना शो लेकर आपके समक्ष पेश हो चुका हूँ। नीचे एक पट्टी चल रही है, उस पर लिखा है जागो राजस्थान सरकार जागो। ये इसने लिखा है क्योंकि सरकार को जागना होगा और सरकार कब तक नहीं जागेगी ये या तो हमारी परीक्षा ले रही है या फिर खुद का दिखा रही है कि हम नहीं जागने वाले, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उनको जगाने का काम तो कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में मेरे भी काफी मित्र हैं, काफी दोस्त हैं, वो कह रहे हैं व्हाई यू स्टक इन दिस स्पेसिफिक केस, आप इस एक इकलौते मैटर पर क्यों फंसे हुए हैं, देश में इतनी सारी चीजें चल रही। मैंने उनसे कहा है कि बाकी जितनी भी चीजें उनको अलग कार्यक्रम के जरिए पेश किया जाएगा, लेकिन भारत एट नाइन अब तब तक इसी स्पेसिफिक मुद्दे पर केंद्रित रहेगा जब तक कि न्याय नहीं। लीस्ट आई कैन डू कि मैं आप सब लोगों की एक साथ आवाज बनने की जितनी कोशिश कर सकता हूं उतनी कोशिश करूं, आप सब लोगों को मीडिया के माध्यम से जितना संगठित करने की कोशिश कर सकता हूं कर सकूं, आप लोगों को जितना ज्यादा एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक आवाज दूं और जो सरकार तक पहुंचे, जो आपके प्रतिनिधियों तक पहुंचे, जो आपकी आवाज जो है वो आपके नेताओं तक पहुंचे, ये कोशिश मैं कर सकता हूं। ये मुकम्मल कोशिश मेरी जारी रहेगी और हर दिन जारी रहेगी। आज तबीयत थोड़ी सी नासाज है लेकिन इसके बावजूद कार्यक्रम को रद्द नहीं किया क्योंकि हम सरकार नहीं, सरकार होते तो किसी भी पल झटके से कार्यक्रम को रद्द कर देते, क्योंकि सरकारें कभी भी उनकी नहीं सोचती जो लोग सच में परेशान हो सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं, उनका सब कुछ बर्बाद हो सकता है। यहां बात कुछ हजार लोगों की नहीं है जिन्होंने रीट परीक्षा को पास किया था, यहां बात उन परिवारों की है जो उन लोगों से जुड़े हुए हैं और वो परिवार आज किस तकलीफ में है, किस पीड़ा में है, इसको मैं समझ सकता हूं, लेकिन इसको व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द भले ही कम हो। तो इसको लेकर आज एक बार फिर चर्चा में हाजिर हुआ हूं आपके सामने और बहुत सारे लोग बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मैसेजेस के जवाब देना मेरे लिए मुनासिब नहीं। हालांकि मैं वक्त वक्त पर इस बात को डालता रहता हूं कि आज मेरे साथ और भी लोग जुड़िएगा और बात करेंगे, ताकि इसलिए ताकि आप जुड़ेंगे और आप जो मैसेज देंगे वो और आप ही के साथ के जो लोग हैं उन तक पहुंचेंगे और आप लोगों का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ेगा और ये आपकी लड़ाई को और मजबूत करेगा, ये मेरा काम है। इसके साथ ही साथ नेताओं पर तब तक हम उनको छोड़ने वाले नहीं है, बख्शने वाले नहीं है, तब तक हम शांत होने वाले नहीं है जब तक न्याय नहीं। न्याय क्या है ये बताने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, न्याय क्या है ये आपको पता है और न्याय कब मिलेगा ये वक्त बताएगा, और वक्त जितना ज्यादा लंबा होता जाएगा उतना ज्यादा आपके लिए खराब समय आता जाएगा। ये सरकार के लिए इसको चेतावनी समझिए, दोबारा से कह देता हूं, आई रिपीट माई सेल्फ, इसको चेतावनी समझिए, क्योंकि इन लोगों के दुख दर्द पीड़ा को अगर मैं समझ सकता हूं तो आप लोग जो पावर में आए हैं इन्हीं के वोटों के जरिए आप क्यों नहीं समझ पा रहे, और विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है, मुद्दे को भुनाने की कोशिश में, और इस कोशिश में कितने लोगों का जीवन जो है अधर में लटक गया, इसकी किसी को फिक्र नहीं, किसी को भी एक व्यक्ति को इसकी फिक्र नहीं। सब नेता अपनी अपनी सत्ता को बहाल रखना चाहते हैं लेकिन रीट L2 की भर्ती को बहाल कैसे करना है इसको लेकर कोई कुछ नहीं सोच रहा। कब तक नहीं सोचेंगे, सोचना पड़ेगा क्योंकि ये लोग बहुत मजबूती के साथ अब लड़ाई में आ गए हैं, और आ गए हैं तो अब आ ही गए हैं क्योंकि अब डिजिटल से यह आंदोलन निकलकर प्रैक्टिकल के रास्ते पर जा चुका है, और प्रैक्टिकल अगर ये आंदोलन हो गया है और ये परीक्षार्थी हैं, युवा हैं, जोश है, ताकत है, शक्ति है, तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। इसी के साथ मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं जिनको पढ़ना भी आवश्यक है। अपर्णा भारद्वाज जी हैं, उनका कहना है अगर सरकार वास्तव में जॉब देना चाहती है तो क्यों ना एक एक ऑफिसर तीन तीन डिस्ट्रिक्ट्स में बैठाया जाए, 33 लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट्स में बैठाया जाए, हर दिन 100 बच्चों का हर जिले से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, 5 दिन में फैसला आ जाएगा निर्दोषों का, कुछ करना है तो ये करो, ये सुझाव है ये जो कि सरकार के लिए है, सरकार को ये सुझाव भी समझना चाहिए। और साथ ही साथ एक साथी ने हमको एक फोटो भी भेजा था
वो कल कल का है, लेकिन आज भी कंचन शर्मा जी ने इसको ट्वीट करते हुए टैग किया है गोविंद सिंह डोटासरा जी को। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी को RE2 बहाली के लिए ज्ञापन दिया गया था। ये तस्वीर मैंने आपको कल दिखाई थी। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जिनको मैं रीड करके बता रहा हूँ। रीड टॉपर्स को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, ये रीड संघर्ष समिति भूपेंद्र साहब को तो मैंने कल भी का जिक्र किया था। रीड टॉपर्स को सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरना पड़ रहा है, क्या यही आपका न्याय है अशोक गहलोत जी? मुख्यमंत्री साहब, क्या हमने 3-4 साल मेहनत करके कोई गुनाह किया है? पर गहलोत साहब, आपके लिए आप इसको सुन रहे हैं, ये आप ही के लोग हैं, ये कहीं और प्लेनेट के प्लूटो के लोग नहीं हैं, ये आप ही के लोग हैं, आप इनकी बातों को सुनिए। आप ही के लिए मैसेज है, क्योंकि आप पढ़ते नहीं, तो मैं पढ़कर इसको सुना देता हूं। आरएएस के लिए भी लिखा है हालांकि कि परीक्षा स्थगित नहीं कर सकते, स्थगन से अभ्यर्थियों पर आर्थिक और मानसिक दबाव पड़ेगा। ये सुनील जांगिर साहब ने लिखा है, उनका कहना है कि आरएएस की परीक्षा को स्थगित नहीं कर सकते, स्थगन से अभ्यर्थियों पर आर्थिक और मानसिक दबाव पड़ेगा। ये उनका बताना है कि आप इतना अगर सोच रहे हैं तो RE2 के लिए क्यों, क्योंकि RE2 को रद्द कर दिया, उससे अधिकांश अभ्यर्थियों को देरी नहीं होगी। इससे RE2 के अधिकांश अभ्यर्थियों को आर्थिक और मानसिक जो नुकसान हो रहा है उसके लिए भैया कौन जिम्मेदार है? करोड़ीलाल मीणा साहब पर भी बड़े आरोप लग रहे हैं, उनको लेकर भी लोग काफी नाराज हैं। 6 फरवरी तक आपने कहा कि रीट रद्द नहीं होगी, लेकिन 8 फरवरी को कर दिया। आशीष जैन साहब ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को रद्द कर दिया, तो जो मर्जी आएगा वो करेंगे। एसओजी की जांच पूरी नहीं हुई, CBI कहां गई? 300 लोग जो पकड़े गए थे, जिनको पकड़ना है वो कहां है? और ये विपक्ष से जुड़े लोग जो कि सो कॉल्ड पत्रकार भी हैं, इनका भी नाम आ रहा है। पूरी जो खिचड़ी है दरअसल, ये एक नेक्सस है, ये पॉलिटिकल पार्टीज और इनके लोगों का नेक्सस है जो परीक्षाओं को प्रभावित कर रहा है। और परीक्षा ना करा पाना सही ढंग से, या फिर उसमें चीटिंग हो जाना, अलग अलग तरीके की चीजें हो जाना, इसकी नाकामी है ये सरकार। सरकार असफल रही, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को दोबारा इलेक्शन में आना चाहिए, लेकिन सरकार जानते हैं क्या करते हैं। सरकार दरअसल लोगों की साथ, भावनाओं के साथ इनकी खिलवाड़ करती, गलती सरकार की, रद्द परीक्षा इनकी करती, पकड़ना किसी और को था और पनिशमेंट किसी और को दिया। ये लोग रो रहे हैं, बहुत परेशान। और दो तस्वीरें जो मैंने कहा था मैं रोजाना चलाऊंगा, ये इसलिए चलाऊंगा क्योंकि ये दो तस्वीरें एक पोस्टर है। दिस 2 women are poster girls, ये दोनों पोस्टर गर्ल्स, इन दोनों को बार बार इनकी तस्वीरें जो है वो चलाएंगे, बाइट चलाएंगे, ताकि सरकार इसको देखे और समझे कि मामला आखिर कितना संवेदनशील है और कितनी जल्दी इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। दो तस्वीरें चलाएंगे, इसके बाद हम अपने मेहमानों के साथ जुड़ेंगे। तस्वीरें चलाइएगा प्लीज। हमारी 3 साल की मेहनत वो तो खराब कर दी ना। 2 पेपर होंगे, पता नहीं कब होंगे, और 2 पेपर में नया सिलेबस, नया पैटर्न, रद्द यूपी में भी हुई थी। 1 महीने के अंदर उसी पैटर्न पर दोबारा एग्जाम करवा लिया था। हमारा तो जुलाई में एग्जाम, वो भी दूसरे पैटर्न पर। हमारे पिछले 3 साल वाली मेहनत का क्या होगा, उसका क्या होगा? किसी से ना सोचा? नहीं सोचा, कोई नहीं सोचता गरीबों की तरफ। सिर्फ जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं, जो इन आंदोलन में जाते हैं, अभी हाँ मीडिया तो उनको ही दिखाती है, हाँ ये हो गया, रद्द करवा लिया, अब खुश हो सारे, ठीक है, मिल गई शांति सभी को। हमारा तो किसी ने नहीं सोचा ना, सोचोगे भी नहीं। मेरी रीट कैंडिडेट जिनकी परीक्षा निरस्त की गई है, L2 वालों की, सरकार ने अभी मेरी परीक्षा निरस्त कर दी है। जो हमने सोचा नहीं था, अचानक से हमें धक्का दिया गया, किनारे तक लाके हमें धक्का दे दिया गया, क्योंकि हमसे काउंसलिंग के फॉर्म भराए जा रहे थे, हम डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहे थे। अब हमारी ये स्थिति हो गई है, अब हमें ये लगता है कि हमें अंधेरे कमरे में डाल दिया गया है और हमारा दम घुट रहा है। रात को जब भी नींद खुलती है, अचानक से इसी चीज की याद आती है और हमारे रो रो के बुरा हाल हो जाता है। पर हम किसी से नहीं कह सकते, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते, चुपचाप की। अब हमें यूँ बोला जाता है कि चुपचाप आगे की पढ़ाई करो। हम अपनी पढ़ाई कर रहे थे 2019 से, मैं तो 2019 से नहीं, मैं 2014 से कर रही थी। और मेरी फर्स्ट रीट में अच्छे नहीं आए, सेकेंड में आए थे बट मैं रह गई थी, तो मुझे लगा मेरी मेहनत में कमी है, तो मैंने इस बार की अच्छे से की, पूरी दिन रात। 25 तारीख तक का रिकॉर्ड है मेरा लाइब्रेरी में, मैंने पढ़ाई की है। बहुत से बोलते हैं तेरे तो नंबर इसलिए आए हैं क्योंकि तेने पेपर खरीदा होगा, क्योंकि मेहनती वालों के लिए सब यही बोल रहे हैं। हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। इन लोगों की संख्या ज़्यादा थी, फेलियर स्टूडेंट्स प्लस वो लोग जो नेता विपक्ष वाले, ये सब लोग, उनको तो बस एक
इन्होंने घी डालने का काम किया विपक्ष वालों ने कि मुद्दा मिल गया अपन उठाएं। इन सब के बीच में हम लोग दबते जा रहे थे, हमारी आवाज़ किसी ने नहीं उठाई, पर हम बहुत बहुत ज़्यादा अवसाद से अवसाद में घिरे जा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं अपने आप में। हम किसी को कुछ नहीं बोल पा रहे क्योंकि हम किसी से कुछ बोलते हैं तो कितने तो पैसे दिए होंगे, तेरे पैसे नहीं मिल रहे तुझे वापस, इसीलिए तू ये करना चाहता है। हर एक यही बोल रहा है तो वो डबल पीड़ा होती है, डबल डबल दर्द मिल रहा है हमें, कुछ नहीं हो रहा हमारा। माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है, वो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, कृपया करके अपने राजस्थान के युवा बेरोजगारों का साथ दीजिए, मेहनती बेरोजगारों का साथ दीजिए, दोषी जो है उन्हें बाहर कीजिए। आप जो SOG टीम आपने लगा रखी है, जब वो छोटे स्तर पे काम की कर रही है तो उन्हें बड़े स्तर पे लगाइए। प्लीज़ प्लीज़ सरकार हमारे ऊपर ध्यान दीजिए, हमें नई भर्ती में मत डालिए, हम और ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। इतना हमने किया, मेंटली आर्थिक तौर पे मानसिक तौर पे दोनों तरह से हमारा बहुत शोषण होता है, हम दोनों का तालमेल बैठा पाते हैं जब जाके इतने मार्क्स आ पाते हैं, हर वक्त ऐसी परिस्थितियाँ नहीं बन पाती। सरकार आप समझे, ऐसे रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है, हमने बहुत परिस्थितियां देखी उसके बाद ही मिला है। इन दो बहनों की तस्वीरें रोजाना इसलिए चलाता हूँ ताकि, क्योंकि मेरी नज़र में ये दरअसल कवर है, पूरे ये जो आंदोलन है, ये जो रेजिस्टेंस है, इसकी कवर है, इसकी पोस्टर गर्ल्स हैं, और ये लोग जिस मजबूती के साथ, ये स्ट्रांग वेमेन, और जिस ताकत के साथ ये लोग लड़ रही हैं, मैं जानता हूँ, इसको महसूस कर सकता हूँ कि बहुत जल्द फैसला होगा और हक में होगा और जीत की एक सुबह ज़रूर हम सब मिलकर देखेंगे और साथ मिलकर देखेंगे, क्योंकि आप सबके साथ एक कनेक्शन हो गया, उस कनेक्शन को मैं भी महसूस कर सकता हूँ आप सबकी, क्योंकि आप सबकी परेशानी जो है उसको समझते हैं तो देखते हैं कि ये ज़्यादा कुछ पेचीदा नहीं है, उसको समझना बड़ा आसान है कि आप एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, उस एग्ज़ाम को देते हैं, उसमें पास होते हैं मेहनत के ज़रिए, लेकिन आपको पता लगता है कि सरकार की विफलता के कारण, सरकार की जो एजेंसीज थी जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रही थी उनकी विफलता के कारण इसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए जिनकी वजह से परीक्षा जो है प्रभावित हुई, लेकिन उन एंटी सोशल एलिमेंट्स को पकड़ने की बजाय, उन पर पूरी तरीके से उनको ख़त्म करने की बजाय आप लोगों को भी इसका पनिशमेंट जो है वो दिया गया है, परीक्षा रद्द करने की बात की गई है। आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है कि परीक्षा जो भी है उसकी जो भर्तियाँ हैं उसको बहाल किया जाए, इसी जो पूरा ये एजेंडा है इसको लेकर मैं बातचीत कर रहा हूँ। आज मेरे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए होंगे स्क्रीन पर शायद, तो हमारे मेहमान भी हमारे साथ स्क्रीन पर है, उसको जोड़िएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और कौन है आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज तबीयत थोड़ी सी नासाज है इसलिए थोड़ा सा आप बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उसके लिए माफी चाहूंगा। सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, साथ में सबसे पहले मैं आप सर आपसे मैं शुरू करूंगा, आपका नाम बताइएगा सर और फिर ये बताइएगा कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जिस आंदोलन को जिस तरीके से अब रफ्तार दे दी गई है, अब बात तो पहुंचनी पड़ेगी, बात को तो पहुंचाना पड़ेगा सर। हेलो जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि 6 तारीख को, जैसा कि मैंने एक ट्वीट को पढ़कर बताया था, मैसेज था कि 6 तारीख को कहा गया था कि नहीं हम रद्द नहीं करेंगे, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, लेकिन 8 तारीख को अचानक से सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग चीफ मिनिस्टर वेक्स अप एंड देन यू नो कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो उसी को लेकर मैं बात कर रहा हूं कि ठीक है, उसके बाद अब जो आप लोग जो लगातार संगठित होकर जो एक आवाज़ बन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, आप कहाँ तक पहुँचे हैं और आपकी मांग जो है वो दरअसल जायज़ है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अड़चन कहाँ आ रही है, क्या समस्या आ रही है? सर समस्या तो कुछ भी नहीं है सोचा जाए। यही मैंने भी अपने वक्तव्य में यही बात कही कि बहुत प्लेन एंड सिंपल है, कुछ भी इसमें पेचीदा नहीं है। आपने एग्जाम दिया, उसमें कोई चीटिंग कर रहा था तो उसका आपको क्यों, आप क्यों हर्जाना भरेंगे उसका, इसका हर्जाना तो दरअसल अगर इसी को दूसरे साइड से बोलूं मैं सर, आप अपना नाम भी बताइएगा मुझे अभी, अगर मैं इसी को दूसरे साइड से भी बोलूं, श्रीगंगानगर से आप, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा ही है तो दरअसल गलती तो यहां पर जो विफलता है वो सरकार की है, तो अगर रद्द करना है तो सरकार को अपना विधानसभा भंग करिए, अपना दोबारा से इलेक्शंस करवाइए। मैं कहता हूं किसी भी मंत्री ने ये नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दे देता हूं, हमारी गलती है, किसी एक सिंगल मंत्री ने ये शब्द नहीं बोला।
मुख्यमंत्री जी आए शाम को, ये बोल के चले गए जी मैं परीक्षा को रद्द करता हूँ। अरे यार पाँव के नीचे से जमीन निकलती बच्चों के, चार चार साल मेहनत की है, आप भी तो 2023 का सपना देख रहे हो ना। मुख्यमंत्री बनू दोबारा, फिर बच्चों ने इन्होंने बनाया ना, तो थोड़ा सा आप भी सोचिए। घर में यदि अपना एक बच्चा बीमार हो ना, अपने बेटा तकलीफ क्या है, आप तो हजारों लाखों बच्चे हैं और आप तो आए ही नहीं टीवी पे, किसी डिबेट में आइए, मैं कहता हूँ 10 बच्चों के सामने आइए। यदि आपने 10 टॉपर को एग्री कर दिया कि परीक्षा रद्द कर दो तो रद्द कर देना, 10 बच्चों के मुंह से निकलवा के वो यस करते, आप तो एक बार भी नहीं आए, आपको आना पड़ेगा। राजस्थान की जनता ने आपको मुख्यमंत्री चुना तो आपको आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आना पड़ेगा। और आप कहते हो विपक्ष का दबाव, अरे भाई साहब विपक्ष का दबाव क्या है, आपने क्यों मानते विपक्ष का दबाव? कृषि कानून चला ना, कांग्रेसियों ने कितना आंदोलन किया, लेकिन नहीं, लास्ट में कृषि कानून वापिस हुए विपक्ष के दबाव में नहीं, इस कारण से हुए हम किसानों को समझा नहीं पाए, इसलिए उन्होंने वापिस ले लिए। क्या राजस्थान की सरकार इतनी कमजोर है, आपको विश्वास नहीं है कि दोबारा मुख्यमंत्री बन पाओगे? यही राजस्थान की जनता बनाएगी आपको दोबारा, ये अपना डिसीजन ये फैसला वापस ले लीजिए। अभी भी जनता कह रही है ये सच्चे स्टूडेंट हैं, इनमें भी एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके नंबर इनकी मेहनत से ना आए हों, इनकी मेहनत से नंबर आए हैं, इन्होंने हथेली पे रखे अपने नंबर, ये 4 साल लगे इसको बनाने में, कोई एक दिन में नंबर नहीं आते। आपसे ये बच्चे कोई 10 क्वेश्चन पूछे ना, एक का भी सही आंसर बता देना, एक 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 पाठ के अंदर चली क्वेश्चन होते हैं डीपली, एक एक लाइन को रीड करना पड़ता है, इनसे पूछो, इनके मेमोरी खत्म हो चुकी है, आज इनकी जिंदा लाश बना के छोड़ दी सरकार ने, जिंदा लाश ना इधर की ना उधर की, कुछ तो सोचो यार, कुछ तो सोचो, बस मैं मंत्री बन जूं यार, कुछ तो सोच लो यार, जनता गिराने पे आ गई ना तो अपना सपना ही रह जाएगा। हम क्या करते हैं हर बार, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, 70 साल में हमने देखा गया है, सब कुछ देख लिया, मेरी भी उम्र आज 41 साल है, सब भाई बहन है आपस में, बिल्कुल सर आपका एक एक वर्ड के पीछे जो फीलिंग है उसको मैं समझ सकता हूँ। हमारे साथ नहीं सकता, इनके 40 साल गए और जिसकी उम्र 36 से 38 साल होगी देगा उनको, इनका तो सिस्टम चेंज हो जाता है। अभी ये कह रहे हम नई परीक्षा कराएं जी, पहले परीक्षा कराएंगे फिर सब्जेक्ट वाइज पेपर करवाएंगे, अजीब आप लगाम आपके अंत में बोले जाओगे। यार बच्चों ने जो 3 साल पढ़ाई की है पहली बात, वो 3 साल का ही पेपर आना चाहिए ना, आना चाहिए पहली बात तो आना ही नहीं चाहिए यार, ये मैट्रिक क्यों जाना चाहिए, आपको देख ही शब्द पकड़ लेना चाहिए, मैं बहाल करता हूँ। बिल्कुल, और सर मैं आपको एक बात बता दूं, एक जानकारी दे दूं कि आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत नासाज थी, इस वजह से मेरी बात हुई है कांग्रेस के प्रवक्ता साहब हैं और बीजेपी के भी हैं, ये लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इनको मैं जल्दी कल या परसों में इनको जोड़ूंगा और आपको भी ज़रूर जोड़ूंगा, ये सवाल आप उनसे सामने सामने कीजिएगा। बिल्कुल, और साथ में हमारे एक और हैं, आप अपना एक बार परिचय करा दीजिएगा मैम अपना। 21 साल नहीं सर, मैं बिल्कुल आप कल हम प्रवक्ता को जोड़ेंगे, कल या परसों जोड़ने की कोशिश करेंगे, आज तबीयत थोड़ा सा मेरी ठीक नहीं थी इस वजह से नहीं जोड़ सका हूँ और कल मैं बिल्कुल जोड़ूंगा। मैम भी हैं हमारे साथ, आप अपना नाम बता दीजिएगा, परिचय करा दीजिएगा मैम। जी सर, मेरा नाम रेखा पारिक झुंझुनू से। अच्छा रेखा जी, आपका एक वीडियो भी मैं देख रहा था ट्विटर पर, देखा था मैंने, तो आप जी सर कुछ कह रही थी आप उसमें। जी सर, मैं ये कह रही थी, ये जो हमारी नीट लेवल 2 की भर्ती है, ये क्या है कि राजनीति हमेशा एक राजनीति कुलदेवी बन गई है नेताओं की, और वो बलि मांगती है, तो उसके बलि चढ़ा दी गई है इस बार। इस बार जो प्रसाद, बड़ा प्रसाद चढ़ा ना, वो रीट का चढ़ा है उस राजनीति कुलदेवी के, और
उसी के ऊपर इन्होंने सियासत का मुद्दा उठा के और उसकी ऐसी खिचड़ी पकाई है कि उसमें बेकसूरों का गला घोट दिया इन्होंने। आप कह रहे हैं कि आप सब लोग जो है राजनीति के शिकार हो गए हैं? जी सर। ठीक है, थोड़ा सा लोगों को इसकी सजा मिली है जिनकी कोई गलती ही नहीं थी। कोई भी मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए जो आपको बात करें। जी सर, मैं ये कह रही हूँ विपक्ष वालों ने बेवजह, खुद सरकार कांग्रेस सरकार ये बात बोल रही है कि बीजेपी ने नॉन इशू को इशू बनाया है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि ये नॉन इशू को इशू बना रहे हैं और दूसरी तरफ उसका दबाव भी फील कर रहे हैं। क्या बात है, गजब की सरकार है कि जो नॉन इशू का दबाव महसूस कर रही है, क्या बात है, हद ही हो गई है सर। खुद कह रहे हैं, उनका खुद का एक स्टेटमेंट है जो रीड हुई उस समय के शिक्षा मंत्री जी थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो समझ ही गए होंगे, उन्होंने कहा था कि बीजेपी नॉन इशू को इशू बना रही है। क्या कभी कोई विवेकशील सरकार नॉन इशू चीज का दबाव ले सकती है? और यदि नॉन इशू चीज का दबाव ले सकती है तो विवेकशील नहीं विवेकहीन सरकार है। Exactly. और राजस्थान के युवा के सब कुछ समझ में आ रहा है, राजस्थान का युवा ऐसी विवेकहीन सरकार मेरे हिसाब से भविष्य में कभी नहीं चुनेगा। बिल्कुल, क्योंकि हमने गलती की है विवेकहीन सरकार चुनने की। और ये जो सरकार जी का स्टेटमेंट था, रेखा जी जो सरकार बातें कह रही है उससे तो ऐसा लगता है कि बड़ा कमजोर है, बड़ा कमजोर है कि अगर विपक्ष दबाव बनाएगा तो आप दबाव में। हेलो सर, मैं ये कह रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हर गलती कीमत मांगती है, तो मेरे हिसाब से यहाँ हमने पढ़ाई की 3 साल और मतलब इतनी मेहनत की रात दिन एक करके, हम समाज से भी बिल्कुल दूर हो गए हैं, बिल्कुल हमें तो सामाजिक परिस्थितियों का भी कोई ज्ञान नहीं है, एक कमरे में रह के हमने अपनी 4 साल बिताए हैं, और तो यहाँ तो मुझे मेरी कोई गलती नजर, हमारी कोई गलती नजर आ ही नहीं रही है। मेरे हिसाब से तो हमारी एक ही गलती है, हमने विवेकहीन सरकार को चुना, यही हमारी गलती है जिसकी कीमत हम भर रहे हैं। बिल्कुल, और उनका स्टेटमेंट है ना, गलती कीमत मांगती है, इसके अलावा तो हमारी कोई गलती ही नहीं है। बिल्कुल रेखा जी, आप भी सवाल कर रहे हैं और एक सर भी हमारे साथ है, वो भी सवाल कर रहे हैं, और एक या दो दिन में हम जो सरकार से जुड़े लोग हैं उनको भी बैठाएंगे, और आप दोनों को, क्योंकि मैं रेखा जी का तो मैंने वीडियो भी देखा है बकायदा, और रेखा जी बड़ा खुलकर अपनी बात को रख पाती हैं, और सर से मैं बड़ा प्रभावित हुआ, आप भी बड़ा अच्छे से अपनी बात को रखा और कह पा रहे हैं जो आपकी जो भावनाएं हैं उनको शब्दों में पिरो पा रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, और एक या दो दिन में हम दोबारा जब डिबेट रखेंगे तो उसमें सरकार के नुमाइंदों को बुलाएंगे और वहां आप अपने सवाल जो है वो सीधे उनसे कर सकते हैं, लेकिन आज हाँ सर, हम हर सवाल का बिल्कुल आप अपने हर सवाल रखिएगा, लेकिन आज रेखा जी थोड़ा सा समय की पाबंदियां हैं और साथ ही साथ तबीयत थोड़ा सा नासाज चल रही है, लेकिन मैं अपने कार्यक्रम को रद्द करूंगा, आपसे मिलना था इसलिए आपसे मिलने चला आया। अब एक दो दिन में हम सरकार के नुमाइंदों को बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आपको भी सामने बैठाएंगे ताकि आप भी अपने सवाल जो है उनके समक्ष रख सकें। आज के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। देखिए भारत @9 काबेंद्र चौहान के साथ।